बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एज ऑफ टुडे दौरा चल रहा है तुर्की का। इंडीड एक सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी नजर आती है, इसके साथ एक इकोनॉमिक एजेंडा भी है और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इस दौरे को लेकर अगर हम डिस्कस करें, इस पर बात करेंगे। सेकेंडली, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, वही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एक साल पहले जनवरी में ट्वीट्स किए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, आज 2019 के अंदर जनवरी के अंदर वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की नई लीडरशिप से मिले, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात करें, पाकिस्तान रोल अदा करे अपना अफगान वॉर के अंदर। काफी कुछ अच्छा चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, इस पर बात करेंगे। हिंदुस्तान के एक रिटायर्ड जज हैं मरकंडे कतजो, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उनका ये कहना है कि मोदी की जो हुकूमत है, इट इज एन एम्बैरेसमेंट फॉर इंडिया। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसमें फर्दर भी काफी कुछ उन्होंने कहा है, जिस तरह एक सेकुलर होने का नाटक किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ वहां पर क्या किया जा रहा है, गाय को लेकर लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, ये वाला इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम जो आजकल पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है थोड़ी सी, उस पर भी बात करेंगे। चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब 17 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं और आसिफ सईद खोसा साहब इज गोइंग टू बी द न्यू चीफ जस्टिस फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इन तमाम अहम टॉपिक्स पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे आज लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे सेनेटर शाहीन बट साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। सर, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ तशरीफ रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब, सर प्लेयर हैविंग यू जी। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन कर रही हैं उस्मा रियाज जदून साहिबा, आप मेंबर नेशनल असेंबली हैं, ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। आप सबके आने का जी बहुत शुक्रिया। उस्मा जी, अगर मैं बात का आगाज आपसे करूं, एज ऑफ राइट नाउ कुछ घंटे पहले हमने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी जो प्रेसिडेंट तैयब उर्दवान और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की थी और उसके अंदर काफी कुछ डायमेंशंस ऑफ रिलेशनशिप की बात हो रही है, एनहांस किया जा रहा है टाइज बिटवीन इन एवरी स्फीयर, ये कहना है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और उसी को रेसिप्रोकेट किया प्रेसिडेंट तैयब उर्दवान ने। हाउ डू यू सी दी सीरीज ऑफ जो अभी विजिट्स हुए हैं काफी मुल्कों के और फॉलोड बाय जो आज का विजिट इस वक्त चल रहा है तुर्की का, क्या कहेंगी जी इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जी प्राइम मिनिस्टर के जो दौरे जा रहे हैं वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो ये जो अभी आपको जैसे पता है कि हमारा तुर्की के साथ ना सिर्फ एक बरादराना मुस्लिम मुल्क की हैसियत से रिश्ता है बल्कि एक दिली रिश्ता भी उनसे हमारा है और हम उनके पास गए और उनसे हमने अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। खान साहब का यही है कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है इसको थोड़ा बूस्ट मिले और इसके जो मसले मसाइल हैं, मतलब हमें इन्वेस्टर चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमने उनको प्रपोजल्स दिए हैं, उनको मुख्तलिफ अपनी, आपको पता है कि पाकिस्तान के पास जिस तरह से ह्यूज माइन रिजर्व्स मौजूद हैं उसका सिर्फ ऑलमोस्ट 5% जो है हम अभी तक कर सकें डिस्कवर किया है। बाकी हमें इस किस्म के लोग चाहिए जो यहाँ की जो हमारी मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकें। यहाँ पे हमने उनके आपको पता है जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट का एक है कि जी हमने घरों के लिए जो गरीब लोगों के लिए जो हमने घर बनाने हैं 5 मिलियन घर बनाने हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज को हमने ऑफर दिए कि जी वो यहाँ पर आए और हमारी पॉपुलेशन के ऑलमोस्ट 35 एज से बिलो जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए। हमारे खान साहब का मकसद ही यही है कि इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जाए, इस मुल्क के इसकी इकोनॉमी को रन किया जाए, इस मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए। उसके लिए हम अपने दोस्त ममालिक से खासतौर पर जिनसे हमारा एज अ मुस्लिम भी एक एज अ मुस्लिम कंट्री जिनके साथ हमारा अच्छे रिलेशंस हैं, जिनके साथ हमारे दिली रिलेशंस भी हैं, तैयब उर्दगान साहब जिस तरह से हम सबके आइडियल भी हैं और हम अफ्ते खान साहब को भी तैयब उर्दगान के साथ ना सिर्फ कंपेयर करते हैं बल्कि हम समझते हैं कि उन्हीं की तरह ये हमारे मुल्क को ना सिर्फ मुस्तहकम करेंगे बल्कि तरक्की की राह पे भी बहुत जल्द गमजन करेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा उस्मा जी, मैं एक फॉलोड अप विद वन क्वेश्चन. बिजनेस काउंसिल से भी उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि हम इरिडिकेट कर रहे हैं करप्शन को ताकि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आए. ये बहुत अहम नुकता था उनका कि जब इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली वंस दे सी ऑल दिस थिंग व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, एन इन्वेस्टर जो भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेगा अगर वो देखेगा कि इस तरह की हिंड्रेंसेज हैं, रेड फाइल चल रही है और आगे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, इसके ऊपर कोई अगर यू कैन ब्रीफली टेल अस के कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं विच द गवर्नमेंट हैव इन माइंड कि ये किए जाएंगे या किए जा रहे हैं. जी देखिए जी, सबका हुकूमतों में आपको पता है कि जब भी कोई इन्वेस्टर यहाँ पे आता था तो सबसे पहले गवर्नमेंट के लिए जी एक परसेंटेज रखी जाती थी कि जी ये परसेंट आप इस देंगे तो उसमें आपको हमें आप तब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इजीली आप कर सकेंगे सारा कुछ. तो मेरे ख्याल में करप्शन एक बेसिक चीज है कि जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा हेजिटेट होता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से. और अगर हम अपनी फॉरनर इन्वेस्टर जितने भी हैं उनको फैसिलिटेट करें, उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बेहतर अपॉर्चुनिटीज दें, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए हम बेहतर जगह दें और उन ये करप्शन वाली तमाम जो अनासर हैं इनको खत्म किया जाए और एक ट्रांसपेरेंसी आए दो मुल्कों के दरमियान जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और उनके दरमियान ट्रांसपेरेंसी आए, उसमें ये हो जाएगा कि जी जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनका हम पर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और उनकी कॉन्फिडेंस की वजह से ना सिर्फ हमारे मुल्क की बिजनेस फ्लरिश करेगी बल्कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हुई हुई है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी. और आपको पता है कि अगर हमारे मुल्क में करप्शन के अंतर को खत्म कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में कि हम कुछ सालों के अंदर अपने मुल्क को तरक्की की राह पे लेकर आ सकते हैं, इसका मईशत का पहिया चला सकते हैं. इसकी मईशत को पहिए को चलाने के लिए आप देख रहे हैं कि हमें बे इंतहा एक ग्रीस की जरूरत है कि एक तरह से जैम हुआ हुआ है. इसके लिए हमने कोशिशें करनी है जो करप्ट अनासर हमारा पैसा बाहर के ममालिक लेकर नए हुए हैं उस पैसे को वापस लेकर आना है, इस मुल्क के लोगों की खून पसीने की कमाई वापस पाकिस्तान लेकर आनी है और अपने मुल्क के लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है. बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जी. जी बिल्कुल ठीक है. अच्छा शहर जी साहब, मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ. ऑब्वियसली ये तो एक हुआ, इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है. उसके अंदर हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब द फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने जाके फॉरेन मिनिस्टर फॉर टर्की को मिले और उन्होंने बताया हिज विजिट अबाउट चाइना, रशिया, अफगानिस्तान एंड ईरान. सर एक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान कैसे चल रहा है, हाउ डू यू सी इट? अगर हम इसको बिल्कुल न्यूट्रली देखें, ऑब्वियसली ऑपोजिशन है बट आई रियली वॉन्ट टू हैव दिस व्यू ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. गुजारिश है कि पाकिस्तान तुर्की के लिए नया नहीं है. ओके और पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं तकरीबन तमाम हुकूमतों ने, सबका हुकूमतों ने, पीपल पार्टी की हुकूमत भी रही, मुस्लिम लीग भी रही, उसके पहले भी माशाल्लाह भी रहा, उसके इन तमाम में तुर्की के साथ ताल्लुकात हमेशा बड़े अच्छे रखे. तुर्की को पाकिस्तान से कोई तकलीफ या कोई शिकायत नहीं है एज सच, और खासतौर पर जो पिछली हुकूमत मुस्लिम लीग की हुकूमत थी उसमें तुर्की के रिलेशनशिप जो है पाकिस्तान से इतना एडवांस हो गया कि उन्होंने बार बार ये कहा कि पाकिस्तान जो है हमारा दूसरा घर है और उसमें बहुत बिजनेस किए, उन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी उनकी बहुत छोटे लेवल से लेके बहुत बड़े लेवल पे तुर्कीश कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, मेट्रो बस में आपको पता है उनकी जो कितनी कंट्रीब्यूशन, और बड़े ही जो ऐसे मामला हैं जिनके अंदर तुर्की है वो एक एज अ मुस्लिम कंट्री, एज अ फ्रेंडली कंट्री इन्वेस्टमेंट करता रहा. ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि हर जगह अपनी करप्शन का रोना रोने से बेहतर ये है कि जहां तक एक गवर्नमेंट एक चीज को लेके चली है वहां से लेके आगे चलना चाहिए. बिल्कुल उसमें हर चीज में इम्प्रूवमेंट का रूम होता है और उसमें करनी चाहिए, बजाय इसके जो तुर्की को हैरान हो जब उनकी करप्शन की बात आप उनसे करेंगे तो शायद उनको हैरानी हो क्योंकि वो तो दे आर वेरी कंफर्टेबल विद पाकिस्तान प्रीवियस गवर्नमेंट. और अभी इस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जहां तक इस लाइक ए रिले रेस,
جہاں تک انہوں نے چھوڑا ہے اس کے آگے آپ اور امپروومنٹ کریں اور کام کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ایک جا کے بات بات پروجیکٹ جن کا ان کو کنسرن بھی نہیں ہے، تعلق بھی کوئی نہیں. بٹ اوور آل ہاؤ ڈو یو سی دس، ہاؤ ڈو یو سی دیز، ابھی یہ جو کپل آف وزٹس ہوئے ہیں جن ممالک کے ساتھ ہوئے ہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر دیکھیے، یہ پہلا وزٹ ہے جو کہ ایک اعتبار مطلب بزنس کے طور پہ ہوا ہے. اس سے پہلے تو ہم پیسے مانگنے گئے تھے نا، تو کہیں سے ملے بھی، کہیں سے دیر کے بعد ملے، پہلے وہ ایک الگ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے وزٹ ہوئے ہیں ابھی تک، تقریباً یہ پہلا وزٹ ہے جو کہ اس نیت سے کیا گیا کہ یو وانٹ ٹو گو دیئر اینڈ فائنڈ سم انویسٹرز. اوکے، تو میں سمجھتا ہوں لیٹس سی اس کا کیا ریزلٹ آؤٹ پٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کا کیا ریئیکشن کیا ہوتا ہے ٹرکیش گورنمنٹ کا. ٹرکیش گورنمنٹ is been our friend for a very long time. بالکل ٹھیک، اور اس میں وی مسٹ گیو یو نو کریڈٹ ٹو آل دی پریویس گورنمنٹس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جل صاحب، میں سر اس کو ایک اور آبویسلی ہم نے دو تین سائڈ اس کی دیکھ لی. اچھا سر، ایک بڑا امپورٹنٹ جو میرے خیال میں کہیں پر یہ ڈسکس بھی نہیں ہوا، افغانستان سچویشن، میٹنگ دا طیب اردوان اینڈ دا افغانستان سچویشن، ہاؤ ڈو یو کنیکٹ دس؟ بیکاز یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال میں، جو شاید میڈیا اس طرح بات نہیں کر رہا. دا پرپز آف ون آف دا میجر پرپز ایکسپٹ دین دا ٹھیک ہے فارن پالیسی اکنامک ایجنڈے کے علاوہ، واٹ نیکسٹ؟ دیٹ واز ون آف دا ویری امپورٹنٹ فیکٹر. جہاں ٹرکی انفیکٹ افغانستان سچویشن کے اوپر ہمیشہ سے کنسرن رہا ہے، اور ٹرکی نے بہت رول بھی پلے کیا اس سلسلے میں. وہاں پہ کچھ ایسی کانفرنسز بھی ہوئی تھیں ٹرکی میں جس میں افغان ایشو کو ڈسکس کیا گیا تھا. فار ایگزامپل، یہ ٹرائی لیٹرل ٹاکس ہوتی ہیں، پاکستان، ٹرکی اینڈ افغانستان اس میں شامل تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے انیشیٹوز ٹرکی لیتا رہا ہے، اور اب بھی ٹرکی اس کے اندر بہت انٹرسٹڈ ہے. پھر پچھلے کچھ عرصے سے افغانستان کے اوپر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں، قطر میں ٹاکس ہوئی، پھر یو اے ای میں ابھی پچھلی ٹاکس ہوئی تھی، پھر ہماری بائیلیٹرل کچھ ٹاکس ہوتی رہی ہیں ڈفرنٹ کنٹریز کے ساتھ افغانستان. تو ان سارے کے اوپر پاکستانی وزیر خارجہ صاحب نے ان کے وزیر خارجہ کو بریف کیا ہوگا سرٹنلی. بالکل ٹھیک، اور ٹرکی سے اور بھی ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی ٹرکی اس ایشو کے اوپر ہمیں فیسلیٹیٹ کرے گا. خاص طور پہ جو ناردرن الائنس کے لوگ ہیں، ان کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہیں ٹرکی والوں کے ساتھ، ان کی بات چیت ہے. ایگزیکٹلی، تو ہم نے چونکہ جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی، تو ہم نے سارے گروپس کے ساتھ افغانستان کے اندر بات چیت کرنی ہے. اچھا، اگر جتنی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آئی ایم شیور ہمارے ویورز بھی اتنی سمجھ رہے ہوں گے، ریجنل کنسنسس ڈیولپ کیا جا رہا ہے آن افغانستان، از دیٹ سو؟ سرٹنلی. اوکے، سرٹنلی. ٹھیک ہے، خاص طور پہ ابھی امریکہ اگر نکلتا ہے وہاں سے اپنی فورسز کو لے کے، ٹھیک ہے، جو کہ کسی اسٹیج پہ نکلے گا وہ، اس کے بعد افغانستان میں کیا سچویشن ہوگی؟ کیونکہ ریجن از ویری امپورٹنٹ فور دیٹ. افغانستان کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، وہاں پہ پھر وار لارڈز آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا گورنمنٹ کی فورسز ہیں، طالبان ہیں، باقی لوگ ہیں، مائنورٹیز ہیں وہاں پہ، تو اس میں تھوڑا سا کنسرن ہے سب لوگوں کا کہ ایسے طریقے سے وہاں پہ آپس میں بات چیت کی جائے کہ پوسٹ ودڈرال سچویشن، امریکن فورسز کے جانے کے بعد کی سچویشن کو ہم کس طریقے سے ٹیکل کریں گے، اس میں آپس کا کوآپریشن، اور سارے گروپس کی جو گروپس افغانستان کی سچویشن میں پائے جاتے ہیں، مثلا ناردرن الائنس ہے، طالبان ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ مائنورٹیز ہیں، ہزاراز ہیں، کچھ ایسے گروپس ہیں جو کہ ایران کے ساتھ جن کا زیادہ تعلق ہے، کہ ان ساروں کو ملا کے آپس میں جتنے بھی، بس ایران کا بھی انفلوئنس ہے، ٹرکی کا بھی، پاکستان کا بھی انفلوئنس ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سینٹرل ایشین کنٹریز کا، وہاں ان کا بھی انفلوئنس ہے، ساروں کو کانفیڈنس میں لے کے ان کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی ایسا معاہدہ کیا جائے کہ جب امریکن فورسز جاتی ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہاں پہ اس طرح خون خرابہ نہ ہو. جی، ہم پاکستانی پارٹیکولرلی وی آر انٹرسٹڈ ان دس. بالکل ٹھیک، یہ نہ ہو کہ جس طریقے سے پہلے بہت بڑا گروپ آ گیا تھا افغانوں کا اٹھ کے پاکستان میں، ایگزیکٹلی وہی سچویشن دوبارہ نہ پیدا ہو جائے. بالکل، ابھی تک وہ پچھلے افغانوں کو ہم نہیں سنبھال، بڑی مشکل سے سنبھال رہے. بالکل ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا اگر یہ ہوتی ہے ایسی بات. ٹھیک عثمان جی، میں تھوڑا سا اس چیز کا ایک لاسٹ پوائنٹ ہے وچ آئی ریلی وانٹ ٹو ہیو اٹ ود یو. پرائم منسٹر نے یہ چیز بڑی کیٹاگوریکلی کہی کہ آئی ایس کو ریڈیکیٹ کرنے کے لیے پاکستان کی فل سپورٹ ہے. انہوں نے اس چیز کو بھی انڈورس کیا، جس طرح پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے، دا وے پاکستان آرمڈ فورسز ہیو پلیڈ دیئر پارٹ، دا وے سیکورٹی فورسز ہیو پلیڈ دیئر پارٹ. اس یہ جو ایک ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں ایک چیز کے اندر، اگر پاکستان سپورٹ کس طرح کی کرے گا اگر ٹرکی کو ریکوائرڈ ہو ریگارڈنگ آئی ایس وغیرہ؟
देखिए जी, बात ये है कि ये हम पे बड़ा अल्लाह का करम भी है कि हमारी हकूमत और जितने भी हमारे इदारे हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं और हमें कोई इस किस्म का मसला नहीं है कि हम अपने इदारों के साथ उनकी या हमारी किसी इस चीज में कोई फर्क हो या कुछ इस तरह से है। हम लोग एक लाइन पे, हमारी थिंकिंग एक है, हमारी हमारा मकसद एक है सारा इस तरह से। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म का हमारा और अदारों के दरमियान कुछ इस किस्म का सिस्टम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जी जो भी है आगे मुझे तुर्की के साथ भी जो हमारे ताल्लुकात हैं उन्हें किसी उस पर भी जरूरत पड़ती है, तो मेरे ख्याल में एज अ मुस्लिम हम हर वक्त उनके लिए तैयार भी हैं और उनको हर लेवल पे सपोर्ट भी करेंगे और हमें सपोर्ट करना भी चाहिए। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सांसद साहब, यूएस प्रेसिडेंट वांट्स टू मीट द न्यू पॉलिटिकल लीडरशिप। खुदा खुदा करके कुफर टूटा। जल साहब के लिए तो मैंने एक शेर लिख के लाया हूँ जो मैंने इनके लिए सुनाना है। अच्छा सर, हाउ डू यू सी दिस? ये एक साल पहले के डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद ट्वीट्स ट्वीट्स ट्वीट्स, और उसके बाद आज के डोनाल्ड ट्रंप, और फिर उनके सरकास्टिक रिमार्क्स रिगार्डिंग इंडिया एंड द वे, वो काफी सारी चीजें, कैसे देख रहे हैं सिनेरियो? चेंज हो रही है दुनिया या बस सिर्फ बोल बचे नहीं है? वड़ी से नहीं, कुछ तब्दीली भी खैर आ रही है। तब्दीली आ रही बात नहीं, ओके, क्योंकि जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि अमेरिका हैज फाइनली डिसाइडेड टू पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान, ओके, एंड दे हैव रियलाइज्ड, दे हैव रियलाइज्ड, ओके, तो वो उसको क्वालिफाई करने के लिए ये जो रीजनल आप कोहेरेंस देख रहे हैं इसकी भी जरूरत है और चीजों की भी जरूरत है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भूलना नहीं चाहता कि जो ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी किसी बात को, क्योंकि ये हमें सूट करती है, ये अलग बात है, हमें खुशी हुई कि उन्हें पाकिस्तान के बारे में एक अच्छे कलमात कहे, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये जहन में रखना चाहिए कि वो किसी बात के ऊपर मतलब यू टर्न लेना उनका शगल है। लेकिन ये यू टर्न अच्छा है वैसे आपस की बात नहीं, ये यू टर्न अच्छा है, यू टर्न यू टर्न पर भी तो यू टर्न हो सकता है। तो ये ना हो कि अंदर यू टर्न हो जाए, इसको ठीक है, वी शुड वर्क ऑन इट, इसके ऊपर एनहांस करना चाहिए, लेकिन इतनी खुशी इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि आप खुद कह रहे हैं ना कि ट्वीट पे कुछ कह रहे थे, जब जो ही वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने फोन कॉल भी की, पहली फर्स्ट कॉल फोन कॉल उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को की थी, भाई उसके फौरन बाद सेकंड डे ही वाज डिफरेंट, थर्ड डे ही वाज डिफरेंट। तो उनके अपने मुल्क में उनके अपने जो शहरी हैं, जो उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनको कभी सीरियसली नहीं लेती, तो हम तो यहाँ बहुत दूर बैठे हैं, ओके, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक, जैन साहब आपको याद होगा हम जब ये प्रोग्राम कर रहे थे तब वो जनवरी 2011 था और ट्वीट्स पे और आप ही मेरे साथ थे सर। वो एक कत्ल एक शेर है ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूदे पशेमा का पशेमा होना। तो सर अब क्या वो पशेमानी है, या जिस तरह सैनिटर साहब कह रहे हैं कि हमें इतना ज्यादा इसको लेकर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली एज ऑफ टुडे जब हम देखते हैं चीजों को, हिज कॉमेंट्स एंड एवरीथिंग, हाउ डू यू सी दिस? मेरे ख्याल में ट्रंप साहब बड़े वोलेटाइल किस्म की पर्सनैलिटी है, ओके, वो बाज दफा बहुत सख्त किस्म के वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बाज दफा इस तरह आ जाते हैं जिस तरह के जी रेकनसाइल करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। एक्चुअली चीज एक अमरीका में भी फॉरन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर और डिफेंस के इश्यूज के ऊपर जहां जहां पे उनके फोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान की हम बात कर रहे हैं आज, इसके ऊपर भी डिफरेंट ऑफ ओपिनियन पाया जाता है। ट्रंप साहब ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दे दी थी कि हम आधी 50% फोर्सेस कम कर रहे हैं, 14,000 जो एग्जिस्टिंग है उसमें से भी 7,000 ले जाएंगे, तो पीछे 7,000 रह जाएगी, ठीक है। लेकिन जब पेंटागन के ऊपर बात हुई तो पेंटागन ने इस चीज को रिजेक्ट किया है। पेंटागन वाले दे नो, बिकॉज वो सारे फौजी लोग हैं, उनको पता है कि वहां पे किस किस्म की रिक्वायरमेंट है। 7,000 फोर्स निकल जाएगी तो पीछे रह क्या जाएगा, कितना इन्फ्लुएंस वो एक्सरसाइज कर लेंगे अफगानिस्तान के ऊपर, तो उस चीज को अभी रेजिस्ट कर रही है पेंटागन, ओके। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी जल्दी इस तरीके से वो करेंगे। दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ फेस सेविंग, ओके, कि वो एक ऐसा कोई किसी मुआहदे के तहत यहां से जाएं कि वहां बेसिकली ना हो पीछे। ये जो ट्रंप साहब की ये वाली स्टेटमेंट आपने जो जूद पशेमा का पशेमा होना है ना, तो बड़ी मुश्किल से मैंने वो भी इतने जूद पशेमा नहीं है वैसे, वो तो उन्होंने ये जो बात कही है कि जी हम पाकिस्तान के साथ बातचीत में करना चाहता हूं, तो उनकी अपनी जरूरत है ये पाकिस्तान के साथ बातचीत, बिल्कुल ठीक, क्योंकि अमेरिका के लिए अफगानिस्तान के अंदर अगर उन्होंने निकलना है तब भी पाकिस्तान की जरूरत है। फिर वो ये भी कह रहे हैं साथ साथ इसी जो कैबिनेट की मीटिंग में उनकी में जो उन्होंने बातचीत की है, इसी में उन्होंने कहा कि जी
वहाँ पे अफगानिस्तान में तो रूस और पाकिस्तान लड़ाई करें भाई। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी उन्होंने बिल्कुल, ये भी उन्होंने इस तरह की बातचीत भी उन्होंने की है। तो बात ये है, उनको वो पाकिस्तान की अहमियत को समझते हैं, अफगानिस्तान की सिचुएशन से जब आप रिलेट करते हैं तो उनको पाकिस्तान की अहमियत का पता है कि पाकिस्तान के बगैर कोई मुआहदा, कोई ऐसी बातचीत, कोई ऐसा पैक्ट जो है वो कामयाब नहीं होगा अफगानिस्तान में जब तक उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा उस्मा जी, मैं एक और चीज, एक और साइड पे मैं जरूर इसको डिस्कस करना चाहूंगा। जब हम ये बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दिल्ली इज नॉट एट ऑल इन अ हैप्पी मूड, और जो हिंदुस्तान के अखबार हैं वो लिख रहे हैं कि वॉशिंगटन और जुल्मे खलीलजाद ने निगलेक्ट किया है दिल्ली को, ये उनका कहना है। और अगर ये बात ठीक है तो वो जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा था अफगानिस्तान का और हिंदुस्तान का, वो तो मेरे ख्याल में डाउन द ड्रेन कहीं जाता नजर आ रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस जी? देखिए, अभी जो हमारी जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी पाकिस्तान के लिए बात की है जिस तरह से, इससे आप देख लें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी माशाल्लाह से कितनी कामयाब जा रही है, और कि आज अमेरिका भी हमारे साथ आके बात कर रहा है। खान साहब ने जिस तरह से कहा था कि इक्वल बेसिस के ऊपर हमने बात करनी है, इक्वली हमने इस चीज को रखना है कि हम आपसे कम नहीं या इस तरह से। अब बात यह है कि जी पहले ट्रंप के जो बयानात होते थे वो उसमें, या अमेरिका की तरफ से जो चीज आती थी उसमें यही होता था कि डू मोर की ज्यादा हमें सदा सुनाई दी जाती थी, लेकिन आज ट्रंप साहब जो हैं वो कह रही हैं कि मैं नए लीडरशिप से, पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट से मिलना चाहूंगा, खान साहब से मिलना चाहूंगा, इनसे मिलके तो हम अफगानिस्तान के इश्यूज पे भी और मुख्तलिफ चीजों पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी बड़ी कामयाब खाजा पॉलिसी रही कि आज अमेरिका जैसी हकूमत भी आज हमसे इक्वली इक्वल लेवल पे रहते हुए हमसे बात करने के लिए तैयार है और हमें इम्पोर्टेंस दे रही है। वो शायद हमारी ईमानदारी और हमारी बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान के साथ हुबुल बतरी है, क्योंकि हमेशा अमेरिका अपनी इंटरेस्ट को प्रायोरिटी में रखता था, उसको सिर्फ यही होता था कि जी हमारे इंटरेस्ट और हमारे शहरियों को के लिए ज्यादा फैसिलिटीज हों, या हम वो तमाम दूसरे ममालिक से वो चीज करें जिससे हम जो हैं महफूज भी रहें और इस तरह से। लेकिन आज जो अब खान साहब ने कहा कि इक्वली बात होगी, इक्वली इस तरह से सारा कुछ, तो उसमें आज देखें कि अमेरिका ना सिर्फ हमारी तरफ थोड़ा सा उसकी इंक्लिनेशन हमारी तरफ हुई, उसकी रवैये में चेंज आया, उसकी बात में चेंज आया, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हमारी नेबरिंग कंट्री को इस चीज से थोड़े से इश्यूज आएंगे कि आज पहले कुछ अरसा पहले तक पाकिस्तान एक इंटरनेशनली अकेला एक मुल्क के तौर पे आ रहा था, और आज अमेरिका जैसी सुपर ताकत भी पाकिस्तान की अहमियत को ना सिर्फ समझती है बल्कि अफगान इशू में भी पाकिस्तान का एक अहम किरदार है, और इसके बगैर, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर अफगानिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि पीस हो सके, स्टेबिलिटी हो सके, कि आज पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट वहां पर बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि अफगानियों के साथ हमारे बहुत पुराने रिलेशंस हैं और हमने उनके साथ उनके लिए हम और हमारे लिए वो बहुत अच्छे भी रहे बहुत सी चीजों में, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनली बहुत सी एक कह लें कि बैरूनी कुवतें थी जो यहां पे इन्वॉल्व हुई जिसकी वजह से बहुत से मसाइल ने जन्म लिया, पाकिस्तान के लिए भी मसाइल बहुत ज्यादा बने, लेकिन आज अमरीका ने बताया कि जी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, पाकिस्तान की पाकिस्तान में पीस के बगैर, अफगानिस्तान में पीस के बगैर दुनिया में भी पीस मुमकिन नहीं है। तो जाहिर है मुख्तलिफ ममालिक को कुछ खुश होंगे और कुछ पॉइंट वैलिड है जी, पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल बिल्कुल उसमें आपका पॉइंट आ गया जी। अच्छा सेंटर साहब मुझे एक चीज बताएं, एक बड़ी थोड़ी सार्कास्टिक सी बात थी जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए की, उन्होंने कहा कि वो एक लाइब्रेरी उन्होंने बना दी और हर जगह ही कहते रहते हैं हमने अफगानिस्तान में लाइब्रेरी बना दी, अमेरिका तो 5 घंटे में उतना खर्चता है जितने अफगानिस्तान के अंदर जितने में उन्होंने लाइब्रेरी, ऐसे कॉमेंट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, हाउ डू यू सी दिस? ये थोड़ा सा अब वो आई एम कमिंग ऑन योर पॉइंट कि मतलब किसी वक्त आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल बाय दिस इज डोनाल्ड ट्रंप। ओके, लेकिन मैं मुझे इजाजत दीजिए कि मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। हमारी MNA है, उन्होंने जो बात की जदून, मिसेस जदून ने, जी जी,
कि हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। यानी दो वीक पहले तो जो डोनाल्ड ट्रंप के जो कमेंट थे हमें याद है कितनी हकारत थी पाकिस्तान के लिए। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इन दो हफ्तों में पीटीआई ने फॉरेन पॉलिसी में क्या तब्दीली लाई है कि वो ही गॉट इम्प्रेस्ड और उन्होंने कहा कि इक्वल लेवल पे हम बात करें। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। देखिए अमेरिका को हक भी है और अमेरिका अपने मुफाद का की पासदारी करता है, अपने मुफाद की, और हमें इस पर हैरानगी नहीं होनी चाहिए। ये फ्रेंडशिप, ये दोस्ती, ये फॉरेन पॉलिसी, ये सब बातें मैं समझता हूँ बेमानी है। ये तो इंटरेस्ट की बात है, अब उसको इंटरेस्ट पाकिस्तान उनकी रिक्वायरमेंट बन गया। अब देखना ये है, जरूरी बात क्या है कि हम उसको कैसे, ठीक है, क्योंकि एक वक्त फिर आएगा कि फिर वो जब उसका दिल करेगा तो छोड़ के भाग जाएगा। तो इसलिए हमें इस मौके से देखिए 80s की दहाई में हम उनके बड़े लाडले थे, वी यूज्ड टू बी पैम्पर्ड ऑल अराउंड, डोंट हैवन बी फॉरगॉटन दैट। फिर उसके बाद जब उनको जाना हुआ तो दे जस्ट यूज अस लाइक अ टिश्यू पेपर एंड थ्रू इट एंड लेफ्ट। जो बात करने वाली है इस गवर्नमेंट की वो ये है कि इस वक्त जबकि अमेरिका को पाकिस्तान की फिर जरूरत आई है तो उसमें जितना बेहतरीन डील उनसे कर सकते हैं जिसमें पाकिस्तान का फायदा हो, तब हम देखेंगे कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी है। देखो ये कहना कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है ये बहुत अच्छी हो गई है और उन्होंने रियलाइज किया है और उन्होंने कहा है कि मैं नई गवर्नमेंट को मिलना चाहता हूँ, ये बेकार बात है, मैं इस पर बिल्कुल एग्री नहीं करता। उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा जल साहब, अगर मैं ये देखूँ तो इट्स रिलेशन पाकिस्तान और अमरीका, रिलेशनशिप वेन रिक्वायर्ड, जब अमरीका को पाकिस्तान के साथ तो अच्छा हो जाता है, जब नहीं होता। अच्छा सर, ये तो एक हो गया, अब मुझे जरा ये अच्छी अच्छी हमने सारी बातें कर ली। अब सर एक जो उनका टॉपिक था जो हमने पहले बात आपने की थी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान की जंग रशिया और पाकिस्तान को लड़नी चाहिए, सर ये दिस मेरे लिए तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क शुरू हो गया। व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स टू से ऑन दैट, और इसके अंदर अब पाकिस्तान तो पहली जंग लड़ रहा है और क्या करे? एक्चुअली बड़ी बेमानी सी बात है ये कि जी रशिया और पाकिस्तान यहाँ पे क्यों ना जंग लड़े, हमें जरूरत क्या है वहां पे जाके जंग लड़ने की? एग्जैक्टली हम पहले ही, हम तो बड़ा मुश्किल से जो रेफ्यूजीज का उन्हीं लोड था वो ले रहे हैं, इसके अलावा जो हमारे ऊपर वहां से टेररिज्म का स्पिल ओवर आया है हमारे कंट्री के पाकिस्तान के अंदर जी, हमने उसको देखा। फिर फाटा जिस तरीके से डिस्टेबलाइज हुआ टेररिज्म से, उसको भी हमने बड़े अच्छे तरीके से, हमारी फौज ने, हमारी हुकूमत ने मिलकर उसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया। तो हम तो बड़ी मुश्किल से उसको उससे निकले हैं। अमेरिका की ख्वाहिश है ये जो पहले भी आपने इंडिया के बारे में बात की ना कि मोदी साहब ने वहां पे एक लाइब्रेरी बना ली तो उस पे बड़े खुश हैं, जो ट्रंप साहब ने बात की थी कि यार बात वो ये हर जगह ही हमें बताते हैं। अमेरिका की ख्वाहिश ये थी कि वहां पे कोई रीजनल कंट्री अपनी फोर्सेज लेके जाए और वो वहां पे जाके तालिबान के साथ लड़ाई करे। अब जो अमेरिका हमारे ऊपर बार बार हमें कहता है कि जनाब आप ये हकानी ग्रुप को ये करें, फलाना करें, उनका मकसद ये है कि जी पाकिस्तान को उसके अंदर घुसा दिया जाए, वो अपनी फोर्सेज यहाँ से निकल के चले जाएं और बाकी पीछे लड़ते रह जाएं। हमें जरूरत नहीं ऐसी लड़ाई की, बिल्कुल ठीक। हम तो चाहते हैं कि किसी मुआहदे के तहत अमरीका यहाँ से निकले और जो रीजनल कंट्रीज हैं, जिस तरह हमने पहले टर्की की बात की, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका जिस ग्रुप के ऊपर इन्फ्लुएंस है वो उनके साथ इन्फ्लुएंस अपना एक्सरसाइज करे और एक मुआहदा हो जाए सारे ग्रुप, मैनेज करें, मैनेज करें इसको, वी शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड देयर शुड नॉट बी अ फाइट आफ्टर अमेरिकन। बिल्कुल, हम जो सिचुएशन 1988-89 में हमने उसके बाद से जो देखी, बिल्कुल ऐसे ही वो सिचुएशन वी डोंट वांट टू क्रिएट अगेन, एंड वी कैन नॉट इवन अफोर्ड इट, वी कांट अफोर्ड इट, नोबडी कैन अफोर्ड दैट, एग्जैक्टली, क्योंकि ये स्पिल ओवर इस लड़ाई का फिर बड़ी दूर तक जाएगा। ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो हम चाहते हैं किसी मुआहदे के तहत जाए, वहां पे एक पीस आए अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान की इकोनॉमी दोबारा चले और सारे अफगानी जो हमारे मुल्क में भी इस वक्त बैठे हुए हैं, वो तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन के करीब अफगानी जो अभी तक हैं, ये लोग अपने मुल्क को वापस जाएं, अपने घरों को वापस जाएं। बिल्कुल ठीक है, हमारी ये है टोटल, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी, जरा उस्मा जी, ये एक हिंदुस्तान के एक रिटायर्ड जज हैं मरकंडे कतजो, और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इट इज एन मोदीज गवर्नमेंट इज एन एम्बैरेसमेंट फॉर इंडिया, जिसके अंदर उन्होंने 2-3 एग्जांपल्स दी। एक उन्होंने गाय की बात की कि गाय बिल्कुल वैसा ही एक जानवर है, उन्होंने कहा कि मैं गाय को कोई वो माता शाता नहीं मानता, मैं गाय जिस तरह घोड़ा और कुत्ता होता है बिल्कुल एक जानवर है और मैं इसको कुछ नहीं इस तरह की चीज मानता। सेकेंडली उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने के ऊपर मुसलमानों की जुम्मे की नमाज जो 45 मिनट से 1 घंटे की होती है उसके ऊपर मुसलमानों को मार दिया जाता है। इवन आज
इंडियन बिहार के अंदर एक बंदे को डंडे मारकर कत्ल कर दिया गया इस शक में कि शायद इसने कोई गाय वहां पर खाई है या वॉट एवर. तो ऐसी अगर स्टेटमेंट्स आएंगी कमिंग फ्रॉम एन फॉर्मर इंडियन जज, तो व्हाट डू यू हैव टू से, वो जो सेकुलरिज्म एंड ऑल दैट यू जो एक बनाया हुआ है हिंदुस्तान ने, उस पर फिर क्या क्या कॉमेंट करेंगी जी आप? देखें, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो उस मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं करती. हर गवर्नमेंट के अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं, अपनी उनकी पॉलिसीज होती हैं. तो जो लोग वहां के होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो उनकी भी वही थिंकिंग हो या उनके भी वही मुख्तलिफ लोगों के मुतालिक राय हो. आप इससे अंदाजा लगा लें कि मोदी की जितनी नफरत मुसलमानों के लिए है, वहां के लोगों के लिए इतनी नफरत मुसलमानों के लिए शायद नहीं है. वहां के लोग भी इंसानियत समझते हैं, इंसान को इंसान मानते हैं और गलत चीज के खिलाफ बोलते हैं. तो मैं ये कहूंगी कि एक बंदे की वजह से हम पूरी उस कौम को हम ब्लेम नहीं कर सकते, और कौम को इस तरह नहीं, मतलब कि इंसानियत का जज्बा या इंसानियत एक इंसान के अंदर जिंदा रह जाए, ये एक बहुत बड़ी चीज है. और मैं जी उनको जो थे साहब जो जज हैं उनको मैं यही कहूंगी कि ये बहुत अच्छी बात है. इससे ये चीज आती है कि एटलीस्ट बुरे को बुरा कहने के लिए वहां पे भी लोग मौजूद हैं, और अच्छाई के लिए काम करना और बुराई को रोकने की कोशिश करना ये एक बहुत बड़ी बात है जी. और ये अल्लाह करे कि यही इंसानियत पूरी दुनिया के लोगों में आए और बीच में से जो एक नफरत की फजा पैदा करते हैं दो मुमालिक के दरमियान, हिंदुस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है, ठीक है इनके साथ हमारे बहुत से अप्स एंड डाउन आते हैं रिलेशंस के अंदर, लेकिन एक मोहब्बत को एक अमन का रास्ता हमें नहीं रोकना चाहिए. हमें अपने दिल खुले रखने चाहिए, हमें अपनी उनके लिए अपनी वेल विशेस रखनी चाहिए जिस तरह से उनकी भी इंसानियत के लिए मुसलमानों के लिए मौजूद है. इसलिए मैं कहती हूं कि एक गवर्नमेंट की चीज को हम उस लोगों की नहीं लगा सकते कि ये उनकी थिंकिंग हो सकती है, ये पूरे मुल्क का, ये पूरे लोगों, ये पूरी आवाम का यही एक थिंकिंग हो सकती है या इस तरह से. तो मैं कहती हूं कि हमें थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि अगर मुसलमानों के खिलाफ वहां पे काम हो रहे हैं तो मुसलमानों के हक के लिए भी वहां पे जजेस बोलने लग गए हैं. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अच्छा सांसद साहब, इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दैट वो बिल्कुल कीजिएगा. साथ बीजेपी के लीडर है स्वामी, और उसका भी आज एक इंटरव्यू चल रहा था जिसके अंदर मेरे लिए बड़ी, मतलब मुझे घिन आ रही थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इंटरव्यू देख के द वे देवर टेलिंग के इलेक्शन जीतने के लिए क्या करना है, जो मुसलमान है उनके शिया सुन्नी वहाबी इनको सेपरेट कर दें, और हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट था, मैं सोच रहा था कि जो वहां पर रहने वाले मुसलमान हैं उनकी जिंदगी तो जीते जी अजाब में है. योर कमेंट्स. गुजारिश ये है कि जस्टिस मार्कंडेय ने जो बात की है बात तो दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है. जो बात तो सच है पर बात है रुसवाई की, इसलिए कि उन्होंने जो बात कही, लेकिन एक बात है, एक जस्टिस के मुंह से ये बात. एग्जैक्टली. और वो भी रिटायर होने के बाद. आई विश ही वुड हैव रिजाइंड व्हेन ही वाज जस्टिस ऑन दिस वेरी पॉइंट. ये जो डिके है इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो सेकुलरिज्म में डिके आया है, ये तो कल तो नहीं आया, इस तो पिछले 40-50 साल से इसमें डिके आ रहा है. अब उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन आई सी हिम वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड आई सी ऑलमोस्ट मेनी पीपल इन जुडिशरी एंड जो उनके लिबरेशन के जो राइटर्स हैं, लिखने वाले हैं, लिखारी हैं, जो भी कॉमन सेंस रखते हैं, दे आर वेरी कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड. मैं इसकी थोड़ी सी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसके बारे में ये बात कहना चाहता हूं कि इस चीज को आप हिंदुस्तान के तारीखी पस मंजर में देखना पड़ेगा आपको कि हिंदुस्तान वॉज नेवर टूगेदर सर. हिंदुस्तान वॉज ऑलवेज डिवाइडेड इन टू प्रिंसली स्टेट्स. इन 1947 इट वॉज यू नो ब्रॉट टूगेदर. ठीक है, मैं समझता हूं कि वो एक बड़ी गैर फित्री किस्म की यूनियन थी. ओके. अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं थोड़ा सा कश्मीर के बारे में जिक्र करना चाहता हूं. जी जी प्लीज. कि ये गैर फित्री यूनियन थी और इसको किसी ना किसी तरीके से अपने मंत्री अंजाम पे पहुंच रहा था. ये असल में इतनी सिंपल बात नहीं है. देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि रेवोल्यूशन आना चाहिए, और जब उसने पूछा
कि रेवोल्यूशन कौन लाएगा और कैसे लाएगा, इसका जवाब उनके पास नहीं था। बिल्कुल ऐसे था, क्योंकि उन्होंने फौज को भी गलत कहा, सियासतदानों को भी गलत कहा, जुडिशरी को भी गलत कहा। अगर जुडिशरी, फौज और सियासतदान सारे के सारे वहाँ इस वक्त करप्ट है, निकम्मे हैं, तो इंकलाब कौन लाएगा, कौन लाए कर रहा है? ठीक है, इसका मतलब है कि दे हैव नो आंसर टू दिस। मैं समझता हूँ कि ये वक्त है, शुरुआत है उस फेज की जिसके अंदर इंडिया हैज टू गो बैक इन टू द ओन नेशनल डिवीजन। ठीक, और इंशाल्लाह इसी प्रोसेस के अंदर, अक्सर लोग मुझे पूछते थे कि कश्मीर की आजादी कैसे होगी, तो मैं कहता था कि कश्मीर की आजादी तब होगी जब वापस इंडिया वैसे ही वापस बनेगा जैसे था, तो इंशाल्लाह कश्मीर। ठीक ठीक, अच्छा जल साहब आप कोई कमेंट करना चाहें वो बिल्कुल कीजिएगा। उसमें एक और भी चीज थी कि बीजेपी के कि उन्होंने 5 रियासतों में अभी वो इलेक्शंस बहुत बुरे तरीके से हार चुके हैं, और अब जो उनकी स्ट्रैटेजी थी फॉर द कमिंग इलेक्शंस वो ये थी कि मजहबी फसादात बढ़ाए जाएं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को और किया जाए। सर ये सारी सिचुएशन अगर उनके सिटिंग मिनिस्टर्स एट पब्लिक कर रहे हैं, मीडिया पे कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए ये तो इंडिया का, इंडिया के अंदर हो रहा है, उनका अपना इंटरनल एक प्रोसेस है जो कि चल रहा है। आपने देखा है कि रिसेंट इलेक्शन में 5 स्टेट्स के अंदर बीजेपी को शिकस्त हुई है, बीजेपी उससे डर गई है, बीजेपी समझती है कि शायद आगे जो जनरल इलेक्शन आने वाला है मई में, प्रॉब्ली इसी साल 2019 में, तो उसके अंदर वो समझते हैं कि जब तक इनको इस इलेक्शन में मुस्लिम्स ने जनरली वोट इकट्ठे होकर डाला है। बहुत सारे ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इंडिया में जहां पे मुस्लिम्स का वोट अगर वो इकट्ठे डालें, मिलके डालें, यूनैनिमसली डालें, तो बड़ा डिसाइसिव वोट होता है वो। एग्जैक्टली तो वो फिनोमेना वो देख रहे हैं कि पूरे कंट्री के अंदर हो जाएगा, उसी को डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं। ये जो आपने बात की ना कि ये जो उनके मिनिस्टर स्वामी साहब ने सुब्रमण्यम स्वामी जो भी था, इसने को बातचीत की कि भाई मुस्लिम्स के अंदर डिवीजन पैदा करो, सुन्नी शिया और बरेलवी देवबंदी, इस तरह की डिवीजन पैदा करो कि ये आपस में मिले ना। लेकिन बात यह है कि मुस्लिम्स वहां पे काफी ज्यादा बड़ी माइनॉरिटी तो है, बट इट्स अ बिग बिग नंबर। कुछ लोग कहते हैं, कुछ उनकी वो 14% कहते हैं ऑफिशियली, बट मुझे कुछ इंडियन मुस्लिम्स मिले, मैं जब नाइजीरिया में था तो उन्होंने मुझे बताया कि जी वहां पे कम से कम जो इस वक्त मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है इस वक्त वो 20-25% है इंडिया के अंदर जी। वो ये कहते हैं, ठीक है, और क्योंकि वो अंदर से जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर इंडियन जो ये हिंदुत्व वाले लोग हैं, खासतौर पे बीजेपी जो है, इनकी कोशिश ये है कि मुसलमानों को आपस में डिवाइड किया जाए और मैक्सिमम वोट मुस्लिम्स का बीजेपी को जाए, उनको इस तरीके से मैनिपुलेट करें, कांग्रेस को मत जाए। ठीक है, तो ये हो रही है चीजें। पाकिस्तान पाकिस्तान डजंट हैव टू डू एनीथिंग, खुद ही करने की जरूरत है, वो खुद ही अपना कर लेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। आप कश्मीर में आप देख लीजिएगा, कश्मीर के अंदर बड़ी अच्छी बात है कि ये एक इंडिजिनस मूवमेंट है, उसकी अपनी कश्मीर के अंदर से उठी है ये मूवमेंट, खास तौर पे बुरहानी शहीद की शहादत के बाद से आप देखिए वहां पे एक बहुत बड़ा जज्बा है। ऐसे ही इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर उनको हुकूमत उनकी टूट गई, अभी उनको प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ा। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, आई थिंक ये आहिस्ता आहिस्ता कंबाइन होंगी। कश्मीर है वो और मूवमेंट के साथ कंबाइन होगा, तो मे भी एक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि जिसके अंदर इंडिया को कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान से बातचीत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, तो पाकिस्तान को बहुत कुछ करने की नहीं जरूरत, पाकिस्तान सिर्फ अपनी डिप्लोमेटिकली, पाकिस्तान इखलाकी और डिप्लोमेटिक इमदाद कश्मीरियों को जितनी दे सकता है वो दे। बिल्कुल ठीक है, दैट शुड बी आर अप्रोच। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जल साहब भी। और मैं एक चीज के लिए बड़ा हैरान था कि जब वो स्वामी साहब का इंटरव्यू जो एंकर कर रहा था, मैं मीडिया के इसमें इसलिए रोल बिकॉज जब मैं उसको देख रहा था और जब वो इस तरह बता रहे थे कि इस तरह डिवाइड करेंगे शिया सुन्नी वहाबियों को एंड ऑल दैट और माइनॉरिटीज को और हिंदुत्व, और वो जो एंकर था वो हंस रहा था और वो मतलब एंजॉय कर रहा था उस सारी सिचुएशन को। एनीवेज उस्मान जी, आगे लास्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं।
17 जनवरी को चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब रिटायर हो रहे हैं, एक बहुत ही ऑनरेबल डिग्निफाइड टेन्योर इन्होंने गुजारा है। द नेक्स्ट चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब आएंगे, जिनके ऊपर जिनकी जो समरी है उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज ऑलरेडी साइंड ऑन द 2 जनवरी उन्होंने साइन ऑफ किया है। कैसे देखती हैं जी आप साकिब निसार साहब के टेन्योर को और आइंदा आने वाले आसिफ सईद खोसा साहब के टेन्योर को? जी जी साकिब निसार साहब ने इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छे काम किए। आप किसी भी जज को जिस वक्त आप देखते हैं तो उसके काम से आप अंदाजा लगाते हैं कि उस बंदे ने काम कैसा किया, मुल्क के लिए कैसा काम किया, इदारों के लिए कैसा काम किया, लोगों के लिए कैसे काम किया। तो मेरे ख्याल में तो उनका काम अल्हम्दुलिल्लाह सारी कौम भी अप्रिशिएट करती है और अच्छा कहती है कि जी ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी की। और मेरे ख्याल में उनका बहुत अहम रोल है पाकिस्तान के पाकिस्तान को दोबारा से अपने कदम पे खड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं, उन्होंने बहुत से ऐसे फैसले किए हैं जिससे लोगों में भी कानून के एहतराम आया और उन्हें पता चला कि जहां पे हम कानून से बाहर निकलने की लिए कोशिश करेंगे तो कानून की गिरफ्त हम पर आएगी। पहले तो मेरे ख्याल में कि लोग इतना ज्यादा कानून को ना समझ रहे थे और ना मान रहे थे, लेकिन मैं कहती हूँ इनकी वजह से बहुत ज्यादा जो है कानून की ना सिर्फ बालादस्ती हुई बल्कि लोगों में भी कानून को ओबे करने का जज्बा आया, एक डर आया कि अगर हम गलत काम करते हैं या कहीं पर हम गलत होते हैं तो हम पर भी कानून की गिरफ्त होगी। और मेरे ख्याल में कि उनके इस तमाम पीरियड्स को ना सिर्फ मैं अपनी जाती राय में ये कहूंगी कि ना सिर्फ बहुत अच्छा था बल्कि मैं कहती हूँ पाकिस्तान के अंदर एक लॉ को दोबारा से लाने में एक संग मील की हैसियत रखता है। बाकी खोसा साहब हैं वो इंशाल्लाह ताला आएंगे, पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है, सीनियर बंदे हैं और वो अपनी जो पूरा सिस्टम है उसके मुताबिक उनकी बारी आई है। उम्मीद यही है कि वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे और उनके काम से इंशाल्लाह ताला हम सबको अंदाजा हो जाएगा कि वो पाकिस्तान के लिए कितने अच्छे और कितने फायदेमंद रहते हैं। ठीक है। अच्छा सांसद साहब, पब्लिक इश्यूज को बहुत एड्रेस किया, बहुत हम लोगों ने प्रोग्राम्स में भी बात की, लास्ट मुझे याद है स्कूल फीस का अभी वेरी रिसेंटली इन्होंने किया जिसके ऊपर आज भी या कल जब भी इनकी हियरिंग थी किसी केस को लेकर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, ये सिर्फ मैंने उन 13 स्कूलों के लिए नहीं कहा था, जितने भी स्कूल हैं जिनकी फीस 5,000 से ज्यादा है उनके लिए ये चीज है। सर कैसे देखते हैं, हाउ डू यू सी द टेनर ऑफ द चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब और आइंदा एक्सपेक्टेड द नेक्स्ट चीफ जस्टिस की आसिफ सईद खोसा साहब? देखिए साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब माशाल्लाह उन्होंने बड़े वेरी डिफरेंट चीफ जस्टिस और हैंड्स ऑन टाइप बड़ा उन्होंने काम किया। लेकिन छोटी सी मेरी गुजारिश है कि जो नए पाकिस्तान में हमने एक अजम ये भी उठाया था इमिन हसल कौम कि हम इदारों को मजबूत करें। बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि हमें ये वरी नहीं करना चाहिए कि एक चीफ जस्टिस के इदारे से दूसरा चीफ जस्टिस कैसे करेगा। अगर इदारा वही है तो और इदारे को हम परफॉर्म करना चाहते हैं कि इदारा परफॉर्म करें तो फिर हमें शायद अफराद के आने जाने को इतना गौर से ना देखने की जरूरत है ना, ऐसी बात ठीक है। लेकिन बहरहाल ये तो एक ख्वाहिश है, ऐसा हो जाए, ऐसा होना चाहिए। रही बात खोजा साहब की, माशाल्लाह इज अ वेरी कैपेबल चीफ जस्टिस, उनकी पुरानी पूरी उसका जो बायोडाटा पढ़े आप तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बड़ी जबरदस्त रही है और हम यकीन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जब वो चीफ जस्टिस बने तो उसके बाद जुडिशरी के जो अपने मिसाइल हैं वो भी हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत मिसाइल हैं, इतने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लोग चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो हाल आप ठीक, ये बात बताने की जरूरत नहीं है नहीं, नहीं, लेकिन उसकी तरफ भी तो जो होनी चाहिए होनी चाहिए। जल साहब, सर योर व्यूज ऑन साकिब निसार साहब, ऑब्वियसली जिस तरह अभी सांसद साहब कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर एक बंदे में हमेशा एक चीज मेरी फीलिंग है कि अगर एक बंदे ने अच्छा काम किया, अच्छा डिलीवर किया तो एटलीस्ट वी शुड ऑलवेज एक्नॉलेज दैट, बिकॉज शायद एक्नॉलेजमेंट ही हम लोग कर सकते हैं और तो हम लोगों ने क्या करना है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? ठीक है जी, जस्टिस साकिब निसार साहब ने बहुत अच्छा काम किया और बड़ा उन्होंने अपेश
थोड़ा सा उनका कंडक्ट था, थोड़ा सा आगे बढ़ के उन्होंने चीजों को पकड़ा। फॉर एग्जांपल ये देखिए कि जो ये पानी वाले इशू के ऊपर, डैम्स के इशू के ऊपर उन्होंने एक बड़ी अच्छी मूवमेंट चला दी, बिल्कुल, और उस मूवमेंट में काफी सारा काम हुआ है। होपफुली एक रियलाइजेशन हुई है कौम को, यार इसकी तरफ तवज्जो देनी हमने, तो बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, ठीक है। बाकी भी उन्होंने जितने भी सुओ मोटो नोटिसेस भी लिए, बाकी इसके अलावा केसेस के अंदर भी बहुत अच्छा काम किया। सिर्फ इसमें एक दो चीजें हैं, मैं अगर अपनी तरफ से थोड़ा बहुत, मेरी अगर कुछ सजेशन हो नए चीफ जस्टिस के लिए, तो ये होगी कि जो खास तौर पे जुडिशियल रिफॉर्म्स आनी चाहिए, जुडिशरी के अंदर जो रिफॉर्म्स आनी चाहिए, निचले लेवल पे लोअर जुडिशरी में आप चले जाएं, बहुत ज्यादा केसेस हैं जो कि पेंडिंग हैं, बड़े लंबे लंबे केसेस चलते हैं, ठीक है, साल साल तक केसेस चलते हैं। इसमें हो सकता है थोड़ा सा रोल, कुछ लेजिस्लेशन भी चाहिए होगी फ्रॉम द पार्लियामेंट साइड ऑल्सो, बिल्कुल, तो वो आप लेजिस्लेशन, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पार्लियामेंट से डिमांड करें कि ये लेजिस्लेशन बनाएं, ठीक है, और अपने टेन्योर में अगरचे उनका उनको 11 महीने या कुछ अर्थात इससे थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जो भी हो सकता है जो रिफॉर्म आ सकें लोअर जुडिशरी में वो जरूर लेके आए। और ये जो पेंडेंसी है केसेस की, लंबे लंबे केस चलना, लंबे लंबे लोग मर जाते हैं और डिसीजन नहीं आते हैं, तो ये जो चीज है इसको खत्म किया जाए, बिल्कुल ठीक। और हमारा जस्टिस सिस्टम एक आइडियल जस्टिस सिस्टम बने जिसमें जल्द अज जल्द लोगों के कम से कम 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोसिक्यूशन भी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आप बात करते हैं रिफॉर्म्स में सारा कुछ ही है, जितने एरियाज हैं जस्टिस के साथ रिलेटेड हैं, इस सिस्टम के साथ जो जो एरियाज रिलेटेड है सबके अंदर रिफॉर्म, बिल्कुल ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर शाहीन खालिद बट साहब सर, थैंक यू वेरी मच। उस्मा रियाज जदून साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया था, उस्मा जी थैंक यू वेरी मच जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का एंड सिर्फ एक छोटे से इंसिडेंट पे करूंगा। कुछ रोज कबल मैं हॉस्पिटल में किसी को मिलने गया, जब मैं वहां से वापस आ रहा तो एक बूढ़ी खातून सीढ़ियों पे बैठी थी, उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि बेटा मेरा बेटा नहीं मिल रहा, एंड आई एक्चुअली थॉट कि शायद उनका बेटा कहीं आगे पीछे हो गया। मैंने कहा जी क्या हुआ, कहाँ है वो? तो कहती है मुझे छोड़कर चला गया है। मैंने कहा जी क्यों चला गया? तो कहती है वो मुझे कहता है कि तुम मेरे लिए बोझ हो, 2019 का स्टार्ट है, ये चीजें ना करें। हम लोग सब कुछ दुनिया में वापस आ सकता है, नहीं आते तो माँ बाप वापस नहीं आते। कोशिश करें कि उन सबका ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे, सी यू टुमारो एट 11:05 PM ओनली ऑन PTV News। थैंक यू एंड टेक केयर।